गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू UGC NET सी नेट अर आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वारी वेलकम टू माई क्लास आज की क्लास में हम अपनी एम एस की सीरीज को जो है आगर आगे लेकर जाएंगे और लेटर आई जे आई तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया था एक सेकेंड सॉरी हमेशा ये फाइल इतनी हैवी रहती है कि पूरी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाती है इसकी वजह से हो भी क्यों ना हमारे यूजीसी एग्जाम के लिए नेट के लिए सेट के लिए इन सभी एग्जाम्स के लिए हैवी वेट बुक है ये जी एच एच हमने जी, एच आए, जी से हमने स्टार्ट करना है आई भी अपने आप में काफी लेंदी चला है Uh, बड़ा टॉपिक था जे से जो है हमने आज स्टार्ट करना है इसमें uh, एक दो ही वर्ड्स हमें मेजरली दिख रहे हैं बाकी वर्ड्स जो हैं हमें यहाँ वहाँ जो है देखने को मिलेंगे ये भी बहुत ज्यादा मेजर एज सच वर्ड नहीं है तो <clears> जेरे <throat> so, uh, एक ओल्ड uh, टेस्टामेंट के प्रोफिट थे उनसे ये वर्ड बना है जेरा जेराइट क्या होता है ओल्ड टेस्टमेंट से वर्ड निकला है प्रॉफिट जेरा ने जो कुछ भी कहा है सेवन सेंचुरी बीसी के ये एक प्रॉफिट थे याद रखिए कहीं पे भी ऐसा कुछ सेवन सेंचुरी एडी, डी सेवन सेंचुरी बी सी कुछ भी आपको यह दिखता है एग्जाम परसपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है सो ये आपको जो है यहाँ देखने को मिलेगा सो ही इट इज एट्रीब्यूट इट एट्रीब्यूटेड दैलमिटीज ऑफ इज टू इट्स वायलेशन ऑफ देंट विदोया एंड पेगन आइडोलिट्री denounced with gloomy eloquence its religious and moral iniquities and called on the people to repent and reform that jehovah might restore them to his favor and renew the ancient covenant. so essentially, what the Bible jo, after the fall of mankind, adam and eve, they will be sent to, 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 to the earth. they will spread their seeds and they will populate the earth. then a series of events will follow in the history of mankind. and at one point, the balance will be so off charts uh, you know in regards to the uh, to the injustices of humanity that jesus christ will come to the world and through his death through through his uh, execution the 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 all the pure all the impurity uh, will be washed away ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ द मैन काइंड जितने भी सिंस हैं ह्यूमैनिटी के वो वॉश अवे हो जाएंगे यही बताया गया है हमें तो ओल्ड टेस्टामेंट में असेंशली जेरेमिया एक प्रॉफिट थे जिन्होंने कहा था कि अब एक ऐसा पीरियड आ गया हमारा जब स्पेशली द पीपल ऑफ़ इसराइल हैव फोगॉटन द वर्ड ऑफ जीवोआ दे हैव फोगॉटन द वर्ड ऑफ प्रोफिट जे जिन्होंने असेंशली गॉड ऑल को प्रे करने की बात की है और पेगन रिलीजन्स में पेगन कल्चर्स में जो आइडोलेट्री थी मूर्ति पूजा थी है ना कुल देवी कुल देवताओं की मूर्ति मूर्ति पूजा जो होती थी उसके खिलाफ बात की है है ना एक ऑल गॉड को बिलीव करने में बात की है लेकिन इसराइल के जो है लोग इन्होंने जो है असेंशली uh, इन कॉन्सेप्ट को जो है फॉलो नहीं किया है जिसकी वजह से uh, इन लोगों के ऊपर जो है अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं दे आर सफरिंग विद सर्टन काइंडस ऑफ क्या कहते हैं सफरिंग्स एसेट्रा एट्सट्रा सो ये जो त, ये जो वर्ड है जरा का वेर ही टॉक्स अबाउट Going back to the word of Jehovah and following the tenets of the Old Testament, the Hebrew Bible, uh, that essentially uh, encapsulates the idea of Jeremiah. As a literary term, Jeremiah is applied to any work which, with the magniloquence like that of the Old Testament prophet, accounts for the misfortunes of an era as a just penalty for its social and moral. रॉन्ग डूंग्स सो जैसे पी बी शैली की मैं बात करूँगी पी बी शैली की बात करूँगी रोमांटिकज में बहुत राइटर्स हैं हमारे ऐसे वी हैव पैसेज फ्राम विलियम ब्लैक्स राइटिंग वी हैव पोएम्स ऑफ पी वी शैली जिसमें कि वो मैगनी लोकवेंट लैंग्वेज में मैग्नी लोकवेंट मतलब बहुत ही एपिक लैंग्वेज में एलिवेट डिक्शन में पोम्पस डिक्शन में वो डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसे फ्यूचर को जिसमें जो ह्यूमस हैं उनको डील करना पड़ेगा विद द सफरिंग्स एंड पेन्स ऑफ देर ओन रॉन्ग डूइंग्स ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था ऑल्सो इन पैराडाइज लॉस्ट इफ यू रिमेंबर पैराडाइज लॉस में भी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी पैराडाइज लॉस में भी हमें uh, देखने को मिलता है इन द बुक्स नाइन टेन एंड एलेवन वी सी स्पेशली इन द बुक इलेवन इलेवन टवेल्व वी सी की जो आके एंजल माइकिल हैं वो आके आर्डम को फ्यूचर हिस्ट्री पूरी जो है मैन काइंड की बताएंगे तो वो भी जो है सॉट ऑफ जेरामाइड माना जाता है इसके अलावा विलियम ब्लेक की जो प्रॉफिटिक बुक्स हैं ये भी जेरामाइड्स मानी जाती हैं थॉमस कार्लॉयल्स की राइटिंग हैं वो भी जेरामाइट्स मानी जाती हैं इसके अलावा हमारे पास अमेरिकन लिटरेचर में जो कॉलोनियल पीरियड था जिस पीरियड में अमेरिका कॉलोनाइज था उस टाइम में भी अपनी कॉलोनाइजेशन को सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन करने के लिए उसके बिहाइंड एक रीजनिंग देने के लिए जो है न्यू इज़राइल का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ था द फैक्ट कि अमेरिका एज अ लैंड हैज़ बिकम द न्यू इज़राइल बिकॉज ऑफ इट्स ओन रॉन्ग डूइंग्स इट इज़ बीन कॉलोनाइज बाई द ब्रिटिश एंड वन डे विल कम वेन द कलोनाइजेशन विल कम टू एन एंड छोटा सा कॉन्सेप्ट है अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखा नहीं है पेपर में आई डोंट थिंक एज सच यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा लेटर जे एन के यही खत्म होता है लेटर एल पे आ जाते हैं लेटर एल पे जो है हम सबसे पहले वर्ड देख रहे हैं ले <coughs> लेज़ असेंशली हमें मोस्ट कॉमनली uh, दिखे हैं जॉफरी चॉस्टर की पोएम्स में पर्टिकुलरली सॉरी कैंटबरी टेल्स में लेज़ uh, को हम दूसरे तरीके से ब्रिटन ले भी बोलते हैं ऑल दो लेज़ का कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंच पोइट्री से शुरू होता है बट हमारे पास uh, कुछ uh, आर के एक ब्रिटिश पोएम्स हैं स्पेशली यू नो दटवा हाईली ट्यून्ड इन विद फोकलोर एंड माथोलॉजी जिसके अंदर जो है आपको फेरी टेल एलिमेंट्स देखने को मिलता है फोक कल्चर के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं सो इसकी जो शुरुआत है वो हुई है सबसे पहले मिडीवल फ्रेंच पोइट्री से अराउंड ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेंचुरी और कुछ जो हमारे लेज हैं वो बाद में किंग आर्थर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं कैल्टिक ब्रिटिश लेजेंड्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हम फिर ब्रिटॉन ले बुलाते हैं ब्रिटॉन लेक को पॉपुलराइज करने वाले थे इंग्लैंड में जॉफरी चौसर इन द फोर्टीन सेंचुरी तो ये वो पोएम्स हैं जिनके हम लोग क्या बोलेंगे ये वो पोएम्स हैं असेंचुअली जिनके अंदर जो है आपको नोटेबल एग्जांपल्स मिलेंगे आपके कंट्री के माइथोलॉजिकल और लेजेंडरी कैरेक्टर्स के नंबर वन नंबर टू आपको इसके अंदर जो है थोड़े से सुपर एलिमेंट्स फेरी टेल एलिमेंट्स भी जो है देखने को मिलेंगे पॉइंट नंबर थर्ड इसमें थोड़ी आपको हीरोइक ट्रेंड्स में भी पोइट्री देखने को मिल सकती है ठीक है कुछ क्लासिक इसके एग्जांपल्स हैं द नैरेटिव्स ऑफ मैरी दे फ्रांस फॉर एग्जांपल सर ऑर्फियो द ले ऑफ लैंडफील्ड, फील्ड फ्रैंकलिन स्टेल इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रिटेन ले वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चौसर की टेल्स के ऊपर जो है आपको पास में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इसके अलावा सर वॉल्टर स्कॉट का ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल 1805 ये आप लोग रीड कर लेना थोड़ा सा इसके बारे में इसके तो ऊपर पेपर में पास में क्वेश्चन बने हैं तो ये सारे जो है लेस के एग्जाम्पल हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लाइट वर्स वर्स क्या होता है पोएम एनी काइंड आर्टिस्टिक लाइन एनी काइंड ऑफ अ लाइन ऑफ लिटरेचर आर्टिस्टिक लिटरेरी क्रिएशन की ऐसी कोई लाइन जिसके अंदर जो है मीटर बैलेंस होता है लाइट वर्स क्या होता है इट इज अ अ टर्म अप्लाइड टू ग्रेट वैरायटी ऑफ पोएम्स दैट यूज एन ऑर्डिनरी स्पीकिंग वॉइस ऑर्डिनरी स्पीकिंग वॉइस के लिए मैं दूसरा टर्म यहां यूज करूंगी कोलोकियल कोलोकियल टोन में जिसमें बात की जाती है कॉन्वर्जेशनल टोन होती है जिन लाइन्स में कॉन्वर्जेशनल टोन होती है इन लाइन्स में एंड दे आर हाईली विटी दे आर हाईली प्लेफुल एंड गुड नेचर ठीक है सटायर में भी इसका जो है इस्तेमाल होता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लाइफ वर्ड नीड नॉट बी इन इट सेल्फ पेटी और इन कॉन्सिक्वेंसल यू कैन भी टॉकिंग अबाउट अ रियली सीरियस मैटर बट द फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल थॉमस पीकॉक की द वॉर सॉन्ग ऑफ डिनस वॉयर एटीन ट्वेंटी नाइन देन वी हैव द लव सॉन्ग ऑफ जय एल्फ्रेड प्रूफ रॉक फॉर एग्जाम्पल वी हैव टी एस एलियट की दूसरी कमाल की पोएम द वेस्ट लैंड तो इनके जो थीम्स हैं वो बहुत ही हैवी हैं पर इनको प्रजेंट करने के लिए जैसे कि लव सॉन्ग ऑफ जयाल प्रॉक की भी जो है बहुत ही ज्यादा अंडरस्टेटेड कोलोकियल कॉन्वर्जेशनल टोन में जो है की गई है वेस्टलैंड भी जो है उसमें भी अक्सर आपको ऐसे लगेगा जैसे आम बोलचाल की भाषा में आपसे जो है ब्राइटर बात कर रहा है ये लाइट वर्स के जो है इस्तेमाल होते हैं एक डिस्पैशनेट टोन होता है डिस्पैशनेट टोन होता है नॉर्मली अगर कोई ऐसी इतनी हैवी थीम की पोएम है तो उसमें हम जनरली हैवी डिक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पर उतनी हैवी डिक्शन या हैवी मेट्रिकल स्ट्रक्चर का यूज़ हो नहीं रहा होता है दूसरी तरफ एक और टर्म आता है वर्स ए सोसाइटी वर्ड्स ए सोसाइटी और सोसाइटी वर्ड्स इज द वेरी लार्ज सब क्लास ऑफ लाइट वर्ड दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स कंसर्नस एंड डूइंग्स ऑफ पोलाइट अपर क्लास सोसाइटी अक्सर जो है ये सटैरिक होता है एंड वैन इट डील्स विद लव इट डस सो एज़ अ सेक्शुअल गेम फ्लर्टी होता है नेचर में वो विटी होता है द टोन इज़ यूजली अरबेन द स्टाइल इज डेफ्ट सो एक ऐसे तरीके का लाइट वर्स का इस्तेमाल जो स्पेशली सोसाइटी की इलीड क्लास अपर क्लास के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्स ते सोसाइटी या फिर सोसाइटी वर्स इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है विलनल्स में जो है एक फ्रेंच पोएम की टाइप है जिसके अंदर जनरली जो है सेक्शुअल इंट्रीक्स या मैडनेस की थीम या फिर पैशन की थीम ऑब्सेशन की थीम दिखाई जाती है और वो जो मैडनेस पैशन ऑब्सेशन की थीम है वो बड़ी लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशनल टोन में जो है दिखाई जा रही है ठीक है जैसे कि ये लाइन है हमारे पास बर्ड्स डू इट बीज डू इट इवन एजुकेटेड फ्लीज डू इट लेट्स डू इट लेट्स फॉल इन लव ओके कुछ और क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कुछ नर्सरी राइम्स हैं चिल्ड्रंस पोएम्स हैं जैसे कि एडवर्ड लियर की द जूनिबिलिस एंड द आउल एंड द पुसी कैट लियोस कैरल की जैब जैबो वॉकी एंड द हंटिंग ऑफ द स्नाक ये कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जो देखने में छोटे बच्चों की पोएम लगते हैं तो इनका जो स्टाइल है वो बहुत ही जेनेरिक है कोलोकियल है बट इनकी थीम जो है नंदलेस काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो इसलिए एक इसकी कैटेगरी है जिसको नॉन सेंस वर्सेज भी बोलते हैं नॉन सेंस पोइट्री अगेन जाबर वॉक जैसे हमारे पास है लुइस कैरल की जिसके अंदर दो वर्ड्स विल नॉट मेक एनी सेंस द मीटर इज नॉट स्ट्रिक द राइमिंग इज नॉट स्ट्रिक द वर्ड्स विल नॉट मेक एनी सेंस बट एट द सेंटर एट द कोर इट विल बी टॉकिंग अबाउट रियली सीरियस मैटर्स अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इट इज लाइमरिक लाइमरिक आपको पता है ये पांच लाइनों की एक शॉर्ट ह्यूमरस पोयम होती है लाइमरिक में भी आप एक सीरियस मैटर के बारे में बात कर सकते हो उसे पांच लाइनों में और इसका मीटर भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट होता है सिर्फ शॉर्ट फाइव लाइन्स में जैसे एक हाइकू होती है हाइकू आपकी जो है थ्री लाइन्स में होती है ये जो है आपकी फाइव लाइन्स में होती है हाँ जी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये आप जो है यहां से देख सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है लिंग्विस्टिक्स इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिंग्विस्टिक्स अपना अच्छा खासा लंबा आई थिंक टॉपिक जाने वाला है लिंग्विस्टिक्स को हम लोगों ने डिटेल में वैसे यूट्यूब पे और मेरी पेड क्लास में एनीवे anyway, किया ही हुआ है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है, है हम यहाँ पे देखने वाले हैं या लिंग्विस्टिक्स को किसी एक ही क्लास में ले लेंगे ले ले, ये पूरा लंबा चलेगा और मी सी अगर हम आज कोई और छोटा टॉपिक कर सकते हैं टाइम कितना है अपने पास मैं एक दो शॉर्ट वर्ड्स आज करा लेती हूँ लिरिक कर लेते हैं उसके बाद लिंग्विस्टिक्स हम कल वाली क्लास में शुरू कर लेंगे बिकॉज आई आई जस्ट मैं फ्रॉम द द बिगनिंग टू एंड एक क्लास में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं एक दो क्लासेस लगा के वो ब्रेक्स ब्रेक्स में करेंगे तो मजा नहीं आएगा लिरिक उठा लेते हैं तब तक लिरिक क्या होता है टू हंड्रेड टू पेज पर पे जो है मैं पढ़ा रही हूँ लिरिक जो है सिंपली अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन दू कोई भी लिटरेचर की आप पोइट्री की ब्रॉडर कैटेगरीज देख लो ना पोइट्री की वर्स की आप ब्रॉडर कैटेगरीज देखो एसेंशियली सारी पोएम्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में ही डिवाइडेड है पहली कैटेगरी है हमारे पास लिरिकल पोएम दूसरी पोएम है दूसरी टाइप की पोएम है हमारे पास नैरेटिव पोएम ठीक है अब ये दोनों जो टाइप्स ऑफ पोएम्स हैं ये इंडिविजुअल पोएम्स भी हो सकती हैं और ये जनरल अम्ब्रेला टर्म्स भी हैं So, एक लिरिकल पोयम असेंशली किस तरीके की पोयम होती है जिसके अंदर जो है स्पीकर का स्पीकर्स स्पीकर इज ऑफ द प्राइमरी कंसर्न नैरेटिव पोयम में जो है अ थर्ड पर्सन टोन इज अडॉप्टेड टू टेल अ थर्ड पर्सन स्टोरी इसमें जो है स्पीकर अपने मन की बात रीडर से शेयर करता है नेरेटिव पोएम में जो स्पीकर है वो अपने मन की बात अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेशन नहीं बता रहा है वो कोई और कहानी आपको सुना रहा है जिसमें वो खुद इन्वॉल्व नहीं है अब जो आपकी बाकी पोएम्स हैं वो इन कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं जैसे कि सोनेट जो है एक लिरिक का टाइप है सोनेट में पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहा है ये एक लिरिक का टाइप है उसके बाद आपकी जो है ड्रामेटिक मोनोलोग ये भी एक लिरिक का टाइप है क्योंकि इसमें भी जो स्पीकर है वो अपने मन की बात बता रहा है ये भी ड्रामेटिक लिरिक है ड्रामेटिक मोनोलोग ये दोनों ही लिरिकल पोइट्री का एग्जाम्पल है एलेजी एले में भी जो स्पीकर है पोइट है वो किसी डेड पर्सन की मेमोरीज को रेमनीसेंस कर रहा है नोस्टाल्जिया में है मोर्निंग के फेज में है मिलानकली के फेज में है तो ये सारी जो है लिरिकल पोएम्स की टाइप्स हो गई हैं टिव पोएम्स में हमारे पास आ जा जाती हैं फॉर एग्जाम्पल एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री में जो है स्पीकर है वो एक डिस टोन से जो हैपनिंग्स हैं वो असेंशली जो है आपको बताएगा मॉक एपिक पोइट्री। मॉक एपिक पोइट्री में भी जो है आपको मॉकिंग um, की जाती है पिक पोइट्री की वो अगेन नैरेटिव पोएम की टाइप है या फिर कोई सिंपल नैरेटिव पोएम भी हो सकती है जिसमें आपको एक ड्रामेटिक सिचुएशन जो है बताई जा रही है और ड्रामेटिक नरेटिव ड्रामेटिक वर्ड्स ड्रामेटिक नैरेटिव भी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नैरेटिव पोएम सो ये अपने आप में पोएम की टाइप्स भी हैं और ये जो है आ, आप देखेंगे यहाँ पे आ, इनके अंदर सब कैटेगरीज भी आ जाती हैं आप लोग चाहो तो, तो इसका स्क्रीन ले सकते हो मुझे लगता है मैं इंग्लिश पढ़ाती पढ़ाती धीरे धीरे साइंस की टीचर बन जाऊँगी <laughs> इतने सारे फ्लो चार्ट और इतने सारे डायग्राम्स बना बना के जी स्क्रीन ले लो इसका तो लिरिक मैंने क्या बताया आपको लिरिक एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर स्पीकर अपनी पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करता है सो इट इज़ अटर्ड इट इज़ अ फेली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ फेरी शॉर्ट पोएम फेरी शॉर्ट हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जिस टाइम पे लिरिक्स एग्जिस्ट कर रही थी एंग्लो सैक्सन एज से ही हमारे पास एलिजी लिरिक्स के एग्जाम्पल्स हैं नाउ दीज लिरिकल पोएम्स आर वेरी शॉर्ट एज कंपेयर टू द वेरी लॉन्ग एपिक पोएम्स सो अगर आप एंग्लो सैक्सन एज में फॉर एग्जाम्पल बियो वुल्फ को कंपेयर करो बियो वल्फ वॉज थ्री थाउजेंड लाइन्स लॉन्ग एंड अब आप उसको कम्पेयर करो किसी एलेजिक लिरिक के साथ फॉर एक्जाम्पल द डिओ लेमेंट द वाइफ लेमेंट द हसबेंड्स मैसेज द सी फेयर ये सारी जो पोएम्स हैं एलिजिक लिरिक पोएस हैं हार्डली कुछ दस पंद्रह बीस लाइन्स की पोएम्स पचास लाइन्स की पोएम्स थी तो कहाँ एक पोएम तीन हजार लाइन्स की कहाँ एक पोएम जो है हार्डली डबल डिजिट में है वेरी शॉर्ट थी इसलिए इस फो एली शॉर्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एपिक पोएम से अटल बाई अ सिंगल स्पीकर सेकेंड की वर्ड एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ माइंड और अ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन थॉट फीलिंग तो या तो वो विलियम वर्सवर्थ की तरह द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स वो जो रोमांटिक पोएट्स की विलियम वर्ड्सपर टाइप की पोएम्स हैं वो भी लिरिकल पोएम्स हैं उसके बाद आप अपने थॉट प्रोसेस की कोई चीज़ जो है बता रहे हो आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस कर रहे हो तभी मैंने बोला ड्रामेटिक लिरिक्स ड्रामेटिक लिरिक, मोनोलॉग्स भी लिरिक्स की ही टाइप है बिकॉज उसके अंदर हम अपने स्पीकर का स्टेट ऑफ माइंड जो है समझते हैं मैनी लिरिक्स स्पीकर आर रिप्रेजेंटेड एज म्यूजिंग्स इन सॉट्यूड ड्रामेटिक लिरिक्स ड्रामेटिक लिरिक एक एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे की जिसमें आप एक्चुअली एक एक्टिव सिचुएशन में हो आप एक एक्टिव मोमेंट में हो आप एक सिचुएशन में हो जो इस वक्त रनिंग है जो इस वक्त ऑन गोइंग है तो आपके साथ कोई और इंसान भी जो है उस सिचुएशन में मौजूद है जैसे कि डोवर बीच हो गई मैथ्यू आर्नल्ड की जैसे कि टिटन आबी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की जॉन डन की कैननाइजेशन हो गई ये सब ड्रामेटिक लिरिक्स हैं अदरवाइज लिरिक्स जो होती हैं वो सिंपल सॉलिट्यूड में रिकाउंट की गई पोएम्स होती हैं ऑल द लिरिकड इन द फर्स्ट पर्सन इट इज ऑर्ड इन द फर्स्ट पर्सन बट देर आर सर्टन लिरिक्स फॉर एग्जाम्पल ड्रामेटिक लिरिक्स जिसमें आपका स्पीकर कोई इथ सेकेंड पर्सन भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जॉन मिल्टन लिख रहे हैं सोनेट वेन आई कंसिडर हाउ माई इज स्पेंड सैम्यूल टेलर कोलोरिच की फ्रॉस्ट एट मिड नाइट ठीक है ये सारी की सारी जो है उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकली हुई पोएम है लेकिन अगर अब हम रॉबर्ट फ्रॉस की रॉबर्ट सॉरी ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग्स देखें हैं वो भी लिरिक्स ही क्योंकि उसमें हमारा स्पीकर अपनी स्टेट ऑफ माइंड रिवील कर रहा है हाउ उसमें डिफरेंस बस इतना है कि जो पोएट और स्पीकर है इनका परसोना सेपरेट है ये दोनों सेम पर्सनैलिटीज नहीं है जिस पोएम में लिरिकल स्पीकर अपने खुद के मतलब जो पोएट है और स्पीकर है वो सेम पर्सन है पोएट ही स्पीकर का परसोना ज्यूम करके उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है उनको हम पर्सनल लिरिक्स बोलते हैं एज कंपेयर टू द इमर्सनल लिरिक्स इम पर्सनल लिरिक्स जो हैं

पर वो एट द सेम टाइम पर वो एट द सेम टाइम किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू को भी जो है को नोट कर रहे हैं ऐसे में जो स्पीकर है वो अपनी उसकी जो वॉइस है वो पर्सनल होने के साथ साथ जेनेरिक भी होती है जेनरलाइज्ड भी होती है इट ऑल्सो काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द मासेस ऑफ एवरीबडी फॉर एग्जाम्पल जब इब्राहिम लिंकन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखी थी उस पोयम में वो अपने पर्सपेक्टिव से तो ये पोएम बता ही रहे हैं तो ये ए लीजिए ही बट एट द सेम टाइम ये जो पोएम है उसमें जो स्पीकर की वॉइस है पोएट की वॉइस है वो पूरे अमेरिका वो सभी अमेरिकन की वॉइस को भी रिप्रेजेंट कर रही है तो ऐसी सेरेमोनियल ओकेजनल पोएम्स भी जो हैं आपकी हो सकती हैं दूसरी जो है वो एक किसी इंटेंस मोमेंट में एक इंटेंस अटरेंस है एक्सप्रेशन है आपकी फीलिंग्स इमोशंस का आपके मूड का आपके स्टेट ऑफ माइंड का जैसे कि ऊपर अभी हमने देखा एट मिडनाइट टेलर कोलरिज का शेली की टू नाइट एमिली की वाइल्ड नाइट्स वाइल्ड नाइट्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको जो है uh, पोएट की एक सीरियस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता लगता है कुछ ऐसी पोएम्स हैं जिसमें स्पीकर जो है अपने प्यार में गिरने प्यार में पड़ने के एहसास को जो है डिपेक्ट कर रहे होते हैं इनको जो है हम लोग लव लिरिक्स बुलाते हैं ठीक oh like है ओ माई लव लाइक रेड रेड रोज रॉबर्ट बर्न की फेमस लाइन्स हैं ये यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बाय द वे ये यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसके अलावा हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वे एलिजाबेथ बैरट ब्राउनिंग की लाइन्स हैं ये भी यू जी सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने कई बार बोला आप लोगों को यू इस बुक से जो कोट्स निकलते हैं वो यू में पूछे ही जाते हैं तो प्लीज़ इस बुक को इतना सीरियसली पढ़ो कि जो कोटेशन जो एग्जाम्पल इस बुक में है मान के चलो वो पेपर में कहीं कही ना कहीं पूछा ही जाएगा ठीक है बेन जॉनसन की लाइंस हैं ड्रिंक टू मी ओनली विद डाइन आई शायद ये भी पेपर में पूछा गया है एंड्रयू मावल की टू हिस्साई मिस्ट्रेस ये सारी जो पोएम्स हैं ये फॉलिंग इन लव के एक्सपीरियंस को जो है डिनोट कर रही होती हैं <coughs> और एग्जाम्पल्स बता देती हूँ बिकॉज सब पेपर में आए हुए हैं। क्रिस्टीना रोजेटी की नो थैंक यू जॉन ठीक है ये भी एक एग्जांपल है लव लिरिक का इन अदर काइंड ऑफ लिरिक्स स्पीकर मैनिफेस्ट एंड सेलिब्रेट्स अ पर्टिकुलर डिस्पोजिशन और सेट ऑफ वैल्यूज कि एक लिरिक में वो एक पर्टिकुलर फीलिंग को जो है पूरी पोएम डेडिकेट कर देते हैं जैसे जॉन मिल्टन लेयर एग्रो ले में हैप्पीनेस को पूरी पोएम डेडिकेट कर रहे हैं एल पेंसी रोसो में जो है नेगेटिव स्टेट ऑफ इमोशंस को मिलेंकली को जो है पोएम डेडिकेट कर रहे हैं कुछ पोएम्स होती हैं वो आपकी इमोशनल मेडिटेशन को दिखाती हैं जैसे कि वर्थ्सवर्थ की ओर इंटीमेशन ऑफ इमोटालिटी आर्नल की डोवर बीच फिर आपकी जो है कुछ पोएम्स हैं जिसमें एक पोएट है स्पीकर है वो अपनी लाइफ की चॉइसेस को जस्टिफाई कर रहा है फॉर एग्जांपल येट्स की सेलिंग टू बाई तो ये सब की डिफरेंट टाइप की लिरिक्स होती हैं आपकी जो लिरिकल पोएम्स होती हैं उसके अंदर जो आप रीडर को स्पीकर को एक फिक्शनल कैरेक्टर समझ के देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग उसको पोएम को सिर्फ पोएम की तरह नहीं पूरा ड्रामेटिक इफेक्ट की तरह जो है समझना होगा जेस मिल ने जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बहुत ही फेमस ऐसे लिखा था द टू काइंड ऑफ पोइट्री 1833 में जिसमें उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है उन्होंने कहा है दैट लिरिकल पोइट्री इज़ मोर एमिनेंटली एंड पेक्यूलरली पोइट्री देन एनी अदर ठीक है उन्होंने कहा है कि जो पोइट्री है अगर ड्रामेटिक अगर नैरेटिव और लिरिकल में कंपेयर करें तो इट इज़ असेंशली लिरिकल पोएम्स जो ज़्यादा एक पोएट की पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाती हैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं पोइट्री का रोल वो बेटर अदा कर रही हैं दूसरी तरफ जो है मैच अब्राहम्स में द मिरर एंड द लैम्प में भी लिरिक को पोइटिक नॉम बुलाया है कि नैरेटिव पोएम उनके हिसाब से बाद में बनी है सबसे पहले पोइट्री की जो है शुरुआत है वो कोई दूसरी कहानी सुनाने के लिए नहीं हुई होगी पोइट्री की जो शुरुआत है वो पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए ही हुई होंगी तो ये दो हमारे फेमस कैनोनिकल थियोरिस्ट हैं जिन्होंने लिरिकल पोएम्स को सुपीरियर बुलाया है एज कम्पेयर टू ड्रामेटिक पोएम्स जो एशियंट ग्रीक्स थे जो कि अपेरेंटली मानते थे कि हेवन में इनके गॉड्स भी जो है उसी से म्यूजिक सुनते हैं सो एशियंट ग्रीक सेरेमनीज में एक लिरिक सिंगर जो है वो अपनी लिरिकल पोइट्री की रेसिटेशन करता था अलॉन्ग विद्यूजिक प्रोड्यूसड बाय अ लायर इन सम करंट यूसेजेस लिरिक्स रिटेन पोएम रिटर्न टू बी म्यूजिकल तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठा लेते हैं तक हमने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे किए हैं कि एक जो लिरिकल पोएम है उसके क्या क्या ट्रेड्स और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने देखे हैं सबसे पहले तो है इसके अंदर जो है एक सिंगल स्पीकर है ये स्पीकर मोस्टली पोएट खुद होता है वरना अनादर परसोना भी हो सकता है जो खुद जो है स्पीकर होगा सिंगल स्पीकर ही होता है किसी फीलिंग इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड को डिपिक्ट किया जाता है ठीक है पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थर्ड एंशियट टाइम्स में क्योंकि लायर के साथ ही एसोसिएटेड होती थी इसलिए आज एक डेफिनेशन इसकी ये भी दी जाती है कि ये थोड़ी सी म्यूजिकल पोएम्स होती हैं म्यूजिकल पोएम्स होती हैं टोन में म्यूजिकलिटी होती है इनके अंदर इसका मतलब मीटर वीटर जो है इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा जाता होगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नैरेटिव या एपिक पोएम के कंपेरिजन में शॉर्टर ही होती हैं शॉर्टर इन लेंथ नॉट वेरी लेंथी शॉर्टर इन लेंथ ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसका भी चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑल एंश सॉरी एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में एसेंशियली पोएम्स या कोई भी ड्रामे कोई भी आर्टिस्टिक जो फॉर्म है वो इन्हीं फॉर्म्स uh, में एग्जिस्ट करती थी या तो आपकी जो पोइटिक क्लास है वो ड्रामेटिक हो सकती थी या फिर वो नैरेटिव हो सकती थी जैसे कि एपिक मैंने बोला या फिर वो लिरिक हो सकती थी आपकी जो ओड्स हैं जैसे ओड्स कायदे से लिरिकल हैं बट उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ ड्रामा रहता था बिकॉज़ स्टेज पे Uh, कुछ थिएट्रिकल्स हैं जो प्रेजेंट किए जाते थे तो वो ड्रामेटिक ज़्यादा माने जाते थे एंड असेंशली ड्रामा भी जो है चाहे ट्रेजिडी हो या कॉमेडी हो वो भी पोइटिकली ही स्टार्ट हुआ है मतलब वो पोइट्री से कोई सेपरेटेड नहीं है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एपिक पोएम्स जो कि नेरेटिव हैं और फिर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिरिकल पोएम्स तो ये तीन मेजर डिस्टिंगशन है जो क्लासिकल पीरियड से चलती आ रही हैं आज के टाइम में पोइट्री अगर हम ड्रामा को सेपरेट ही करते हैं इसमें से तो पोइट्री को हम नैरेटिव और लिरिक के फॉर्म में ही देखते हैं इसके ऊपर और क्लासिकल काम जो है नॉर्मन मैकलीन ने किया था इन हिज वर्क फ्रॉम एक्शन टू इमेज ऑफ द लिरिक इन दिन सेंचुरी ठीक है कुछ और क्रिटिक्स के नाम नीचे मैंशन है वो आप लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट आ जाता है टर्म मैल प्रोपिज्म मैल प्रॉपिज्म इज दैट टाइप ऑफ सोलैसिज्म मतलब द कॉन्सपीक्यू इज एन अन इंटेंडेड वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिक्शन और ग्रामर एक तरीके का अनअवॉइडेबल एरर जो आप ग्रामेटिकल रूल्स या स्पेलिंग्स में कर सकते हैं विच मिस्टेकनली यूज अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अनादर दैट इज दैट इट रिजेंबल्स मैल प्रॉपिज्म मैल मतलब रोंग प्रॉपिजम यानी जो प्रॉपर वर्ड का यूजेज होना था उसकी तो जगह जो है गलत वर्ड का जब इस्तेमाल हो जाता है कन्फ्यूजन की वजह से ग्रामेटिकली कोई वर्ड आपने एक्सचेंज कर दिया आपने स्पेलिंग वर्ड की चेंज कर दी जिसकी वजह से वो पूरा मीनिंग डेरोगेटरी हो गया या कॉमिक हो गया आयरॉनिकल हो गया उसको जो है हम लोग मैल प्रॉपिज्म कहते हैं ये जो टर्म है अब ये यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से निकला है टर्म आई कहाँ से है ये टर्म आई है फ्रॉम द कैरेक्टर मिसेस मैल प्रॉप रिचर्ड ब्रिंसली आरबी शेरिडन के कॉमेडी प्ले द राइवल से 1775. फैक्ट की टर्म यहां से आई है ये भी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस प्ले की हीरोइन है या फिर फीमेल कैरेक्टर है ये भी अलग से यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस प्ले में ये जो कैरेक्टर है इन एन अटेम्प्ट टू डिस्प्ले अ एस वोकैबुलरी सेट थिंग्स सच एज अ प्रोजेनी ऑफ लर्निंग एज हेड स्ट्रॉन्ग एज एन एलिगरी ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल ही इज़ द वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस तो इस तरीके के टर्म्स वो यूज़ कर देती थी अपनी वो कैबलरी को ज़्यादा बेहतरीन दिखाने के लिए बट एक्चुअली वो यूजेज जो है गलत है शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दट द यूजेज इज़ रॉन्ग वो यूजेज जो है एक्चुअली गलत है तो वहाँ से इस टर्म का जो है शुरुआत हुई है इन एन अर्ली रेडियो कॉमेडी द इजी एसिस जेन एस एंड इनवर्टेबल मैल प्रॉप इज रिमार्क्ड ही गॉट सो एक्साइटेड ही रैन डाउन लाइक अ चिकन विद इट्स हैट ऑफ हेड ऑफ बोलना था बट हार्ट ऑफ उन्होंने यहाँ पे बोला है तो ये मैल प्रॉपिजम का एग्जाम्पल है सो बेसिकली एन एर वाइल स्पीकिंग विच कैन बी ग्रामेटिकल विच कैन बी वो कैबुलरी रिलेटेड विच कैन बी स्पेलिंग रिलेटेड जिसमें कंफ्यूजन की वजह से आपके कंसेप्चुअल लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आप वो मिस्टेक वहां पर कर देती हो ठीक है मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म अगेन बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है इसको एक बार स्किप करते हैं आगे नेक्स्ट टर्म पे आते हैं मास्क पे मास्क क्या होता है मास्क मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं ड्रामा का एक टाइप होता है ये इसकी जो शुरुआत है असेंचली वो कोर्टली एंटरटेनमेंट फॉर्म की तरह जो की गई थी इसके अंदर स्टोरी लाइन उतना मैटर नहीं कर रहा है जितना ज्यादा इसका ड्रामेटिक्स और थिएट्रिकल कर रहा है सो so, ये देखने में कैसा लग रहा है इसका पूरा एक्सपीरियंस कितना एंजॉयबल है ये इसका ज्यादा बड़ा कंसर्न होता है राधा देन एक सीरियस मैटर प्रेजेंट करना इसके अंदर जो है हेवी कॉस्ट्यूम्स फेस पे मास्क अट्रैक्टिव म्यूजिक हैवी डांसिंग का इस्तेमाल होता है ऑफकोर्स वर्ड मास्क इट इज़ डाइव्ड इट इज़ अ डिविएशन ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मास्क क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मुखोटे पहनते हैं इसकी शुरुआत रेनेसो इटली में हुई थी नेसो इटली में हुई थी फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी में इटली में हुई थी घूमता घूमता ये इंग्लैंड में आ जाता है एलिजाबेथ के पीरियड में कोर्टली एंटरटेनमेंट की फॉर्म में तो एलिजाबेथ के पीरियड में जेम्स द तो वन के पीरियड में चार्सो तो वन तक के पीरियड में जो है ये चलता है इसकी जो पूरी जो एलेबोरेट डेवलपमेंट है वो कोर्ट एंटरटेनमेंट की तरह जो है असेंशली होती है इसका प्लॉट जो है स्लाइड होता है मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कोई सीरियस सब्जेक्ट मैटर ये प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मेनली इसके अंदर जो है आपको माइथोलॉजिकल या एलिगोरिकल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ये माइथोलॉजिकल या एलिगोरिकल है तो इनके इनके कॉस्ट्यूम्स यहाँ जो है बहुत मैटर करेंगे सो so, अब ये लोग जो हैं असेंशुअली Uh, अपनी स्टोरी जो है वो थिएट्रिकल और ड्रामेटिक से ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे रादर दैन द प्लॉट सेल्फ तो बहुत गाना बजाना इसमें चलेगा द प्ले डेफिनेटली कंक्लूड्स विद द डांस इन विच द प्लेयर्स डॉफ्ट देयर मास्क एंड वो जॉइन बाई ऑडियंस प्ले के एंड में जो है जो कैरेक्टर्स है वो मास्क उठा उतार देते हैं चेहरे से फिर वो ऑडियंस के बीच में जाके घुल मिल जाते हैं सब तो ऑडियंस को भी साथ में उस डांस में पार्टिसिपेट करना है तो जैसे मैंने बोला आप लेसन के लर्न कर रहे हो उससे वो मैटर नहीं करता है वो आपको कोई लेसन टीच करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है असेंशली जो मास्क प्लेस होते थे इनका पर्पज होता था एक एक्सपीरियंस देना अपनी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट देना तो ये जो है काफ़ी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है पर्टिकुलरली बेन जॉनसन के टाइम में बेन जॉनसन ने कुछ फेमस मास्क लिखे हैं जो बेन जॉनसन के मास्क की समरी मैंने पेपर में कभी नहीं देखी हाँ टाइटल्स देखे हैं बेन जॉनसन के दो तीन मास्क के टाइटल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यू नेट के पेपर में आए हुए हैं तो आज एक, एक एक्स्ट्रा काम कर लेना बेन जॉनसन मास्क टाइप करके एक लिस्ट भी बना लो <clears throat> कौन कौन से इनके मास्क हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि द मास्क ऑफ ब्लैकनेस द मास्क ऑफ द क्वींस कुछ फेमस इसके एग्जाम्पल्स हैं इसके अलावा दूसरा एक फेमस राइटर है इनिगो जोन्स

पर्टिकुलरली शेक्सपियर के वर्क में आपको ये भारी भरकम तरीके से देखने को मिलता है अब इसके पर्पसेस मल्टीपल हो सकते थे कई शेक्सपियरियन में मास्क का जो रोल होता था वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही होता था सेलिब्रेशन के लिए होता था जैसे कि शेक्सपियर द में ठीक है मरांडा और फर्डिनेंड के बीच की जो इंगेजमेंट है उसको दिखाने के लिए वो एक मास्क एक फॉल्स मास्क दिखाएंगे एरिंग मास्क दिखाएंगे दूसरी तरफ कुछ मास्क होते थे उनका पर्पस होता था क्या कहते हैं एक ऐसे टाइम लाइन एक ऐसी सोसाइटी को दिखाना जो उस वक्त के लिए अपने सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स को डाइवर्ट कर रही है डिस्टॉर्ट कर रही है जैसे मुझे पसंद नहीं है पर्सनली होली का फेस्टिवल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं उसका रीजन है उसका रीज़न यह कि मुझे लगता है बहुत लोग बिल्कुल आपके पर्सनल स्पेस पर घुस के आके मुंह पे रंग लगा देते हैं वो रंग सारा आँख में मुंह में कान में नाक में चला जाता है और फिर आप रिटालिएट भी नहीं कर सकते सामने से क्या जवाब आएगा बुरा मानो होली है तो मैं तो अंदर ही बैठती हूँ होली के दिन घर वालों से टिक्का विक्का लगा के आई सेट एंड साइड एंड आई वॉच टी वी एम लाइक मेरे को नहीं खेलना है बिकॉज मुझे लगता है कि होली फॉर सम रीजन कुछ लोगों को जो है बहाना मिल जाता है टू एक्ट इन अप्रोप्रिएटली सो कुछ ऐसा मास्क में भी होता था मास्क में क्योंकि पूरा जो सिटी है सब लोग जो है एन्जॉयमेंट के मूड में है सो देस अ लॉट ऑफ रिवेलरी लॉर्ड ऑफ हैपनिंग। तो सोशल जो नॉर्म्स हैं वो सबवर्ट हो जाते थे उस पीरियड में एंड शेक्सपियर अपने कई प्लेस में इस मास्क का इस्तेमाल करते थे एक ऐसी सोसाइटी को दिखाने के लिए जहाँ पे वैसे तो जो रूल्स से चल रही है लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर दैट नाइट जस्ट इन दैट इन्जॉयमेंट ऑफ द मास्क वो सोशल रूल्स सब्वर्ट हो सकते हैं जैसे कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक की डॉटर जैसी का घर छोड़ के भागेगी उस रात जिस रात एक मैस्करेड हो रहा है मैस्क परफॉर्मेंसेस चल रही हैं वैसे वो एक एज अ डॉटर अपने फादर का घर छोड़ के नहीं भाग सकती अपने लवर के साथ पर उस रात वो भागेगी उस रात उसको वो परमिशन है उस रात सोशली वो एक्सेप्टेबल है क्यों क्योंकि मैस्करेड है दूसरी तरफ आपको द रोवर प्ले है द रोवर प्ले में भी जो है आपको एफ्राबेन के प्ले में आपको मास्क का यूजेज दिखेगा फॉर द फीमेल कैरेक्टर्स टू इंडल्ज इन सॉर्ट ऑफ बिहेवियर दैट वाज अदरवाइज नॉट परमिसेबल सो so, एक तो ये दूसरा रूल हो सकता है मास्क को यूज करने का तीसरा पर्पज हो सकता है वैसे तो मास्क हंड्रेड परसेंट एंटरटेनमेंट पर्पसेज से होते थे लेकिन जॉन मिल्टन ने इसको भी सब्वर्ट कर दिया था उन्होंने एक वर्च्यू बेस्ड मास्क लिखा था जो बहुत ही क्लासिक उनका एग्जाम्पल है मिल्टन uh, का कोमस ठीक है उसके बाद जो है कई प्लेज में वर्स ड्रामा में मास्क कैरेक्टर्स को यूज करके जो है उनके थ्रू कोरस का रोल प्ले किया जाता था जैसे कि पी बी शैली का प्रमिथियस एंड बाउंड है ये जो है रेनेसाव मास्क के अराउंड रिवॉल्व है लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं हैंशली वो आ, अपने मास्करेट के थ्रू जो है आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो तो नॉर्मल प्लेस में एक आ, कोरस कैरेक्टर करता है अच्छा कुछ अलग एग्जांपल्स भी हैं कुछ मास्क ड्रामेटिक भी हैं उनका जो पर्पस है कोई नैरेटिव स्टोरी जो है प्रेजेंट करना है फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मास्क ऑफ रीजन नाइनटीन एंड मास्क ऑफ मर्सी नाइनटीन ये दोनों जो हैं है असेंशली बिब्लिकल बैकग्राउंड से हैं एक बुक ऑफ जोब से है दूसरा बुक ऑफ जोना से है इसके बाद है एडगर एलिन पो का अमेरिकन राइटर का द मास्क ऑफ द रेड डेथ ठीक है ये भी एक मास्क्रेड बॉल जो है एलिगोरिकल स्टाइल में जो है इसकी स्टोरी प्रेजेंट करता है तो ये कुछ मास्क के आपके पास फेमस टाइप्स हो गए हैं अब यहाँ से एक दूसरा टाइप निकलता है एंटी मास्क एंटी मास्क क्या होता है

अगैन एट अ पॉइंट ऑफ एट अ लेवल ऑफ इन अप्रोप्रिएटनेस पहुँच लेवल ऑफ शेमलेसनेस पहुँच जाए कि वो थोड़ा सा आपको अनकम्फर्टेबल करते इस तरीके के मास्क जो थोड़ा अपनी अपनी बाउंड्री को अपनी बॉर्डर्स को भूल कर वो सारी सोशल नॉर्म्स को लांग कर ट्रांसेंड कर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएटनेस की बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी मास्क ये भी बेन जॉनसन ने ही शुरू किया था राइट right. कुछ क्रिटिक्स के नाम है इसके राउंड वो आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट टर्म मैं यहां आपको बताऊंगी मेलोड्रामा मेलोड्रामा टर्म हम लोगों ने बहुत जो है सुना होगा बहुत ही क्लासिकल हमारे पास हमारी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस uh, है मीना कुमारी वेरी ब्यूटीफुल तो उनके साथ आपने देखा होगा बैक इन द डे बॉलीवुड में मेलो टर्म जो है इस्तेमाल होता था मेलोड्रामा इज नथिंग एल्स बट एन एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ सेंटिमेंटालिटी डिटेक्टेड थ्रू आर्ट्स तो चाहे आप पोइट्री के थ्रू ड्रामा के थ्रू मास के थ्रू किसी भी ऐसे एक्ट के थ्रू एग्जैजरेटेड फॉर्म में इमोशनल आउटलेट दिखा रहे हो टू मच ऑफ रोना धोना इज हैपनिंग ठीक है टू मच ऑफ रोना पीटना इज हैपनिंग एंड जैसे किसी भी ड्रामेटिक वर्क में एक्शन इज एट देंटर ऑफ द प्लॉट द एक्शन हैजू मूव फॉरवर्ड यही प्लॉट को आगे लेके जाएगा यहाँ पे क्या होता है दैट एक्शन इज इट टेक्स अ सेकेंड बैकहैंड सेंटीमेंटालिटी एंड इमोशनलिटी इज अ प्राइमरी कंसर्न सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सैम्यूल रिचर्डसन का पैमिला पैमिला जो नॉवल है वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवल्स माना जाता है इंग्लिश फिक्शन का इट इज़ अ हाईली सेंटिमेंटल फॉर्म ऑफ नॉवल उतना जो हाई सेंटिमेंटलिज्म है वो मेलोड्रामा बन जाता है तो ऐसे नॉवल्स में या ऐसे ड्रामेटिक वर्गस में मैटर ये नहीं करता कि आइडिया क्या कन्वे हो रहा है आप बस ये चाह रहे हो कि जो वो सब आपका जो कैरेक्टर है राइटर चाह रहे वो कैरेक्टर आपकी दया का पात्र बने दैट ही बिकम्स और शी बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ योर सिंपथी योर पिटी ठीक है ये मेलो ड्रामा का पर्पज़ होता है अब इसका जो सोर्स है वो बनता है मेलोस वर्ड से जो ग्रीक में मतलब जिसका होता है सॉन्ग एंड द टर्म मेलो ड्रामा वॉज ओरिजिनली अपलाईड टू द म्यूजिकल प्लेस सबसे पहले इसकी शुरुआत म्यूजिकल प्लेस से बिकॉज मेलोज वर्ड का मतलब होता है म्यूजिकल म्यूजिक तो पहले मेलो ड्रामा जो हैं वो ओपराज के साथ एसोसिएटेड है बिकॉज ओपराज में डायलॉग्स नहीं होते हैं म्यूजिक होता है और लिरिक्स होते हैं इन दर्ली नाइनटीन सेंचुरी लंडन मैनी प्लेस व प्रोड्यूस्ड विद अ म्यूजिकल एकनीमेंट जिससे जो है इमोशनैलिटी जो है दिखाई जा रही है कभी कभी कहते हैं कि uh, कोई मूवी है फॉर एग्जाम्पल कोई भी मूवी जो आपको बहुत इमोशनल लगती है बहुत ज्यादा uh, इंस्टाग्राम पे आजकल ऐसे रील्स आते हैं जहां पे आपको वो जो कैरेक्टर्स हैं एक सेकेंड वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स के पीछे जो वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा दिया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ जो है आपको <laughs> कैरेक्टर्स की आवाज़ सुनेगी तब आपको वो चीज़ उतनी इमोशनल होती सेंटिमेंटल नहीं लगेगी हॉरर मूवीज़ में जैसे होता है मुझे लगता है हॉरर मूवीज़ का आधा हॉरर का एलिमेंट ही म्यूज़िक से आ रहा होता है हॉरर मूवीज़ में अगर वो धमाकेदार या फिर वो हॉरिफाइंग बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर हटा दिया जाए तो शायद हॉरर मूवीज़ इतनी हॉरर लगेंगी भी नहीं आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए सो हॉरर मूवीज़ जो हैं असेंशली उसमें भी आपको ये एलिमेंट देखने को मिलता है ड्रामेटिक प्लेज में या मेलो ड्रामा प्लेज में भी ऐसा होता था कि इन द एटीन नाइनटीन सेंचुरी लेट एटीन पर्टिकुलरली अर्ली नाइनटीन सेंचुरी कुछ ऐसे प्लेस थे उस टाइम में अब उसके रीजन्स अलग हैं मैंने पेड क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाए भी हुए लाइसेंसिंग एक्ट हुआ था बेसिकली लाइसेंसिंग एक्ट के बाद जो नए डायलॉग बेस्ड प्लेज होने बंद हो गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेज हैं वो लिरिक uh, बेस्ड हो गए थे ओपरा बेस्ड हो गए थे तो uh, ऐसे में uh, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के जो है इमोशनैलिटी को सेंटिमेंटालिटी को जो है इंक्रीज कर दिया जाता था वहां से जो है ये एसोसिएशन uh, जो है मेलो ड्रामा का विद इमोशनैलिटी मतलब रिलेशन कैसे बना है ओरिजिनली मेलोड्रामा होते थे म्यूजिकल प्लेज फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ओपराज अब इंग्लैंड में एटीन नाइनटीन सेंचुरी में ओपराज कॉमन हो गए थे क्यों हो गए थे लाइसेंसिंग एक्ट की वजह से इनके अंदर जो है इमोशनैलिटी और सेंटिमेंटालिटी पीक पे होती थी तो एक्चुअली तो ऑर्डर ये फॉलो हुआ है लेकिन ओवर द ईयर्स इवॉल्व होते 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 ये एक रिलेशन जो है मेलोड्रामा का डायरेक्ट रिलेशन इमोशनैलिटी और सेंटिमेंटालिटी के साथ बन गया कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था है तो इनडायरेक्ट सही ऑर्डर से जाओ तो लेकिन ओवर द ईयर्स वो एक जैसे कनेक्शन बन जाता है रोमांटिक पोयम्स हम किसको बोल रहे हैं वो सोर्स अलग है पर अब मीनिंग वहां अटैच हो गया गौथिक लिटरेचर किसको बोल रहे हैं सोर्स अलग है वर्ड का लेकिन अब एसोसिएशन वैसी हो गई है सिमिलरली मेलोड्रामा का एसोसिएशन इमोशनैलिटी और सेंटिमेंटालिटी के साथ हो गया जबकि ये एक्चुअली ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ था ठीक है तो ये जो है मेलोड्रामा प्लेज हमारे इवर्ज हुए थे लाइसेंसिंग एक्ट की वजह से बिकॉज ये टिपिकल प्लेज होते थे जिसके अंदर जो है एक तो सेंटिमेंटल और इमोशनल थीम रहता ही था पर पीछे एक सीरियस म्यूजिकल पीस भी था जो कंपनी करता था हमेशा डायलॉग्स को सीन को उस म्यूजिकल उस उस इमोशनल सेंटिमेंटल इफेक्ट को एनलार्ज करने के लिए मैग्नीफाई करने के लिए ठीक है अक्सर जो है द विक्टोरियन मेलोड्रामा कैन बी सेट टू बेर द रिलेशन टू ट्रेजिडी दैट फार्स डस्ट टू कॉमेडी टिपिकली द प्रोटैगनिस्ट ऑफ फ्लैट कैरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बोला कोई सेंट्रल आइडिया नहीं कन्वे हो रहा है इन स्टोरीज के थ्रू अब वो कैरेक्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है आपकी दया का पात्र ही है वो एक बेचारा प्यार में हारा या जिंदगी से हारा किस्मत का मारा कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग से एंड तक ऐसे ही रहेगा ठीक है आपको जो है अपनी दया उसके लिए बचा के रखनी है थ्रू आउट द वर्क ठीक है हीरोइन जो है प्योर कैरेक्टर है विलन बहुत इमोशनस कैरेक्टर है ऐसे कैरेक्टर्स हैं गुड और बैड के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन है कहीं ना कहीं ये जो मेलो ड्रामाज हैं या फिर जो ओपराज हैं यहीं से मॉडर्न डे मूवीज़ की भी क्रिएशन हुई है मूवीज हमें हमेंचुअली ऐसी देखनी पसंद है जिसमें विलन विलन की तरह लगे हीरो हीरो की तरह लगे वो हीरो वर्सेस विलन की जो स्टोरी है वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होती है किसी भी मूवी का तभी लोगों को ऐसी मूवीज देखना पसंद है वो मूवी अच्छी हो या ना हो उसमें स्टोरी में दम हो या ना हो लेकिन भीड़ इकट्ठी होके जाएगी ऐसी मूवीज को देखने के लिए तो वो जो आइडिया है ना वो कई सालों से हमारे दिमाग में उसकी कंडीशनिंग सॉर्ट ऑफ हो रही थी तो अक्सर ऐसे कैरेक्टर ऐसे प्लॉट होते थे इन प्लेज में जहां पे बुरा जो कैरेक्टर है वो या तो हमारे भोले भाले हीरो के लिए भोली भाली हीरोइन के अगेंस्ट जो है कोई षड्यंत्र रच रहा है वो जो षड्यंत्र है उसमें हमारा हीरो हीरोइन फंस जाएंगे फिर वो बेचारे आपकी दया के पात्र बनेंगे आपको उनके लिए रोना आएगा फिर आप क्या करोगे वो जो है आपको इसमें देखने को मिलता है ठीक है कुछ इसके एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं वो आप लोग देख लेना The terms melodrama and melodramatic are also in the extended sense applied to any literary work, whether or any episode, whether in drama or prose fiction that relies on improbable, implausible events and sensational action. <laughs> वही जैसे मैंने बोला melodrama melodramatic का source कुछ और है, लेकिन आज कहीं भी भी कोई implausible action हो रहा, है, implausible plot है और वहाँ पे एक shock element है, वहाँ पे एक sensation का element है, वहाँ पे term जो है अब use होने लग गया है, ठीक है? चलो इसको मैं ये वाइंड अप कर रही हूँ कल वाली क्लास में अब हम लिंग्विस्टिक्स उठाएंगे लेटर एल का एक या दो दिन लगेंगे मुझे उसको पूरा करने में पर उसमें आई थिंक काफी अच्छे से हम लिंग्विस्टिक्स को कवर कर पाएंगे उसके अगली क्लास में हम मार्क्सिस क्रिटिसिज्म करेंगे जो अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है बट आई एम श्योर मार्क्सिज्म के अराउंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो उस पोर्शन से क्लियर हो जाएंगे चलिए थैंक यू सो मच एवरीबडी डबल वैलिडिटी शायद चल रही है मतलब छुट्टी पे थी इन दिनों मैंने देखा नहीं बट आई थिंक डबल वैलिडिटी चल रही है मैं चेक करके आपको बता देती हूँ झूठी कस्में वादे मैं नहीं कर पाऊंगी है ना <laughs> मैं यहाँ पे आपको ओवर सेंटिमेंटालिटी ओवर इमोशनैलिटी नहीं दे पाऊंगी हाँ तो हमारी वेबसाइट ऐप पे जाके जब गवर्नमेंट एग्जाम्स में यूजीसी सेलेक्ट करेंगे यूजीसी ने दिसंबर में जाएंगे तो कल तक डबल वैलिडिटी दिख रहा था आज नहीं दिख रहा है तो नहीं है बैचेस आपको यहाँ दिखेंगे नीचे जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज और बुक्स ई बुक्स वगैरह सॉरी मेरी बुक्स मिल जाएंगी निकाली हमने काफी बढ़िया है लेटेस्ट पैटर्न पे बनी है अगर आपने अभी तक ली नहीं है पच्चीस एस।, एस नहीं लगाते हो इसमें बुक या टेस्ट सीरीज में एस लगाना है अरे भाई चार सौ रुपए की भी नहीं है डेढ़ सौ रुपए की है बहुत सस्ती है डेढ़ सौ रुपये में पच्चीस टेस्ट है तो काफी बढ़िया रहेगा ठीक है ये ले लो और मैं फिर से बोल रही हूँ अगर आप दिसंबर या जून अटैम्प के लिए सीरियस हैं देखिए तो दो बातें एक तो तैयारी अभी से शुरू कर लो ऐसे सोर्स से शुरू करो जो ट्रस्टेबल है ट्रस्टवर्दी है और आप उस पर भरोसा कर सकते हो आपको बैच ज्वाइन अगर आप करते हो आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप ग्रुप में ऐड कर दूंगी मैं अपने और उसके बाद आप वहाँ से सारी तैयारी कर सकते हो तीन महीने कोई कम टाइम नहीं होता तैयारी करने का मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एक एक डेढ़ महीना पढ़ के भी क्लियर कर लेते हैं पेपर आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है पॉइंट नंबर टू ये बैच जो इस वक्त आपको मेरा मैं दिखाती हूँ मेरा कोड लगा के मेरा ये बैच मैं आपको दिखाती हूँ दिखेगा शायद सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड समथिंग नहीं है मेगा पैक पे है डबल वैलिडिटी इंग्लिश का जो मेगा पैक है जिसमें टेस्ट सीरीज भी है ई बुक्स भी है सॉरी फिजिकल बुक्स भी हैं टेस्ट सीरीज भी है बैच भी है पेपर वन पेपर टू का इसमें डबल वैलिडिटी है कोड जब लगाओगे वाई फाइव फोर टू उसके बाद डिस्काउंट लगा के भी ये बैच सेवेंटी टू हंड्रेड का पड़ेगा मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ यही सेम बैच दिसंबर में दिसंबर तक तकरीबन तकरीबन नौ से दस हज़ार रुपये का हो चुका होगा अफकोर्स हम आपके लिए कुछ और फीचर्स भी इसमें डालेंगे लेकिन बैच तब तक महंगा हो चुका होगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर कोई दिसंबर या जून अगले साल की तैयारी कर रहा है एनरोल करने का वक्त अभी है हमारे पास एक साल के बैचेस भी आ गए हैं तो अपने वो दो ढाई हज़ार बचा लीजिए एनरोल करना है अभी कर लीजिए ठीक है डबल वैलिडिटी भी मिल रही है छः महीने का कोर्स लेने पे एक साल की वैलिडिटी मिलेगी दिसंबर की तैयारी करते करते जून की तैयारी मुफ्त में हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए मैम क्या आप अपनी टाइमिंग बता सकती हैं मेरी टाइमिंग है अंजलि बारह बजे बारह से डेढ़ बजे तक जो है मैं पढ़ाती हूँ ठीक है प्रेम कुमार सिंह अपने काम से मतलब रखो चलो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हैव अ वेरी गुड डे क्लास अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय